नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आज से हम आपके लिए नया प्रयास लेकर आए हैं बच्चों। परीक्षा आपकी सर पे है, 8 तारीख से पेपर स्टार्ट है, तो आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन IOT के मैं लेकर आया हूँ और उनको सॉल्व भी करवाऊंगा साथ साथ, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप स्वयं चेक कर सकिए कि उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं कितने नहीं आते बच्चों। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, आइए स्टार्ट किया जाए। पहला प्रश्न है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन IoT डोमेन। ये प्रश्न बच्चों पहले भी पूछा गया है कि कौन सा वो प्रोटोकॉल है जो IoT डोमेन में यूज नहीं किया जाता। देखिए, वाईफाई, Z-Wave, ZigBee, इन तीनों का तो यूज खूब होता है। ये जो तुम्हारा प्रोटोकॉल है लोमी, इसका यूज बच्चों नहीं होता। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, पहले का डी होगा। और आगे बढ़ता हूं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन एलिमेंट ऑफ IoT। IoT का प्रमुख एलिमेंट कौन नहीं है? देखिए, प्रोसेस मेन एलिमेंट है, थिंग्स मेन एलिमेंट है, सिक्योरिटी मेन एलिमेंट है, पीपुल इज नॉट अ मेन एलिमेंट ऑफ IoT। पीपुल IoT का प्रमुख हिस्सा नहीं होगा बच्चों। तो इस प्रश्न का भी उत्तर लगाइएगा ए। कौन सा वो सिंबल है Arduino में जिसकी मदद से आप मॉड्यूल की गणना करते हो बच्चों? तो थर्ड प्रश्न का करेक्ट उत्तर मेरा ख्याल है आपका सी रहेगा। टू इजली इंटरफेस एड ऑन मॉड्यूल्स विद, प्रश्न नंबर 4 पढ़ रहा हूं बच्चों, टू इजली इंटरफेस एड ऑन मॉड्यूल विथ Arduino वी कैन यूज, हम लोग किसका यूज करेंगे एड ऑन मॉड्यूल को इंटरफेस के साथ, Arduino के साथ इंटरफेस करने के लिए? तो इसका आंसर होगा बच्चों, देखिए, जनरल PCB होता नहीं, कनेक्टिविटी सर्किट बोर्ड होता नहीं, अदर हाई एंड Arduino बोर्ड होगा नहीं, Arduino शील्ड्स। ये आया हुआ प्रश्न है पहले भी, तो इसका सही उत्तर आपको देना है सी। आगे बढ़ता हूं बच्चों, डबल IoT एक बड़ा ही पॉपुलर टर्म है IoT में, जिसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आई थोड़ा मिसिंग है, मैं सही कर दूं। ये देखो बच्चों, इसका मतलब ये होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। 5वें प्रश्न का योर करेक्ट आंसर इज सी। आशा करते हैं आपको पेपर का ये जो तरीका है सॉल्व करने का, ये आपको पसंद आ रहा होगा बच्चों। आपके Arduino आईडीएली में डिफॉल्ट मेथड कौन कौन से होते हैं? द डिफॉल्ट मेथड्स इन Arduino, ओनली लूप, ओनली सेटअप, सेटअप एंड लूप, आइदर सेटअप और लूप। तो भैया, बच्चा बच्चा जानता है कि सेटअप और लूप दोनों ही डिफॉल्ट मेथड है, जिसमें सेटअप का काम क्या है, वन टाइम सेटिंग के लिए यूज होता है, और लूप आपका जो रिपीटेड है, बार बार अगर आपको किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो आप लूप मेथड से करेंगे। 7वां प्रश्न पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट? बताओ भाई, ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई, इथरनेट या ब्लूटूथ? बच्चों आप लोग बेहतर जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर की जो बैंडविड्थ होती है, जो स्पीड होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो आपकी मैक्सिमम होती है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट? तो ऑप्टिकल फाइबर की जो कम्युनिकेशन मीडियम स्पीड है वो सबसे ज्यादा है, वाईफाई उतनी हो नहीं सकती, इथरनेट उतनी हो नहीं सकता, ब्लूटूथ उतना हो नहीं सकता। अच्छा, 8वें प्रश्न पे आता हूं, द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैविंग टू कम हैव टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली इज। 8वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा?
मशीन आईओटी में मैक्सिमम डिवाइसेस ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती हैं, जिनको आप कह सकते हैं बच्चों मशीन टू मशीन। यानी आठवें प्रश्न का सही उत्तर आप ए लगाइए। विच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड बाय डीएचसीपी। नवा प्रश्न, कौन सा वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है? तो योर आंसर इज बच्चों यूडीपी। विच सेंसर इज यूज्ड इन मोबाइल फोन? बताइए तुम्हारे मोबाइल फोन में जो टच स्क्रीन होती है उसमें बच्चों कौन सा सेंसर यूज होता है? कैपेसिटिव टच सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर या वेट सेंसर? तो बच्चों दसवें प्रश्न का राइट आंसर आप लगाइएगा ए, द कैपेसिटिव टच सेंसर इज द करेक्ट आंसर। ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ट फॉर? जीएसएन को क्यों बनाया गया? 11वां प्रश्न, रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम, रिड्यूसिंग कॉस्ट इंक्रीजिंग टाइम, रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग कॉस्ट, न कॉस्ट इंक्रीज करना है न टाइम इंक्रीज करना है, ये तो डिक्रीज कर, ये तो बच्चों इंक्रीज कुछ नहीं करना, सबको रिड्यूस करना। तो इसमें कोई कॉम्बिनेशन बच्चों सही नहीं है सिवाय किसके, पहले के, कि भैया जीएसएन इसीलिए बनाया गया ताकि वो कॉस्ट को और टाइम दोनों को क्या कर दे, घटा दे डेवलपमेंट की। 12वें नंबर प्रश्न पे आता हूं बच्चों, ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द आईओटी हैज टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट वाया ह्यूमन। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? एम टू एम कम्युनिकेशन बच्चों इसका सही उत्तर होगा, मशीन टू मशीन। एमक्यूटीटी स्टैंड्स फॉर? बताइए एमक्यूटीटी का मतलब क्या होता है? एम फॉर मैसेज, क्यू फॉर क्यूइंग, टी फॉर टेलीमेट्री एंड लास्ट टी फॉर ट्रांसपोर्ट। तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर बच्चों लगाइएगा डी। ये देखिए, विच इज द कोर रैपर ऑफ जीएसएन? 14th प्रश्न, कोर रैपर जीएसएन का क्या होता है? सीरियल, यूडीपी, जीपीएस टेस्ट या जीरो एमक्यू रैपर? तो भैया मेरे 14वें नंबर का राइट आंसर आपको लगाना है बच्चों डी, सपोर्ट लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन। कौन आपका लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है? आईईटीएफ, आईईएफटी होगा नहीं, आरएफआईडी होगा नहीं, नन होगा नहीं बच्चों, ब्लूटूथ होगा, लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन। कौन करता है? सपोर्ट लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन, इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ब्लूटूथ। 16वें प्रश्न पे आता हूं, विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग फॉर बिजनेस पीपुल? बताइए आप बिजनेस पीपुल्स को ग्रीटिंग करना है तो क्या कहेंगे? सन कहोगे नहीं, मदर कहोगे नहीं, सर कहोगे, नन ऑफ दीज होगा नहीं। तो बच्चों 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर वैल्यूज आर प्रिंटेड इन। बताइए बच्चों 17वें प्रश्न का सही आंसर क्या आएगा? 17वें प्रश्न का सही आंसर आएगा पी वाई पी आई होगा नहीं, पी आई पी होगा नहीं, ओ एल डी मैट्रिक्स होगा। बच्चों 17वें प्रश्न का सही आंसर होगा तुम्हारा सी। क्या होगा 17 का सही आंसर? ओ एल ई डी मैट्रिक्स। अगले प्रश्न पे लेता हूं, सेल्फ एक्युलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स
establish their concept of self, become selfless, reach their full potential, realize their idea self. 18वां प्रश्न और इसका आंसर होगा बच्चों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो प्रोसेस है जिसमें आदमी अपनी फुल पोटेंशियल यानी क्षमता तक पहुंच जाता है। 19 नंबर प्रश्न पे आइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इंटरनेट का लाभ उठाने के लिए एलओडब्ल्यू पैन डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेशन को सक्षम करता है। 19वां नंबर प्रश्न, इसका आंसर होगा आईईटीएफ 6 एलओडब्ल्यू पीएन यानी आईपीवी6 लो पावर पर्सनल एरिया नेटवर्क। 20वां नंबर प्रश्न पे आते हैं, आईओटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स, आईओटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स, बताइए क्या होता है? प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर या डेटा स्टोरेज। 20वें नंबर प्रश्न का आंसर होगा सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर। बच्चों द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रन ऑन मेनी कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, विच ऑफ दीज इज नॉट ए स्टैंडर्ड बॉडी और प्रोटोकॉल, बताइए इनमें से कौन वो प्रोटोकॉल नहीं है जिस पर इंटरनेट स्टैंडर्ड चलेगा? ज़िगबी, एलसीन, टायरल या नन? टायरल पे कोई चीज नहीं है बच्चों, 21वें का सी लगाइए। योर करेक्ट आंसर इज सी। When it is first appeared in English, the word personality referred to what? Personhood, character, temperament या none? बताइए बच्चों 22वें नंबर का आंसर। जब ये पहली बार आया तो personality को referred क्यों किया गया था? Personhood के लिए। A लगाएंगे इसका हम। Which category is used in context of connected cars? पर्सनल आईओटी, ग्रुप आईओटी, कम्युनिटी आईओटी या नन? 23 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बच्चों कनेक्टेड कार के लिए आप यूज करेंगे ग्रुप आईओटी को। 24 नंबर पे आइए, अलाउज अस टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, हमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल को कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने की अनुमति कौन देता है? HTTP, RESTful API, RETful API या MQTT? 24वें नंबर का उत्तर आपका मैं सी लगा रहा हूं। और बच्चों मैं ये बता दूं, ये कई बार आया हुआ प्रश्न है। विच बोर्ड इज फर्स्ट टू यूज माइक्रो कंट्रोलर विद इन बिल्ड USB? बताइए कौन सा वो बोर्ड है जो सबसे पहले USB बनाने के लिए माइक्रो कंट्रोलर का यूज करता है? लियोनार्डो, ये अर्डुइनो का ही एक मॉडल होता है। कौन सी वो लेयर है तुम्हारे IoT में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ IoT कही जाती है? कौन सी वो लेयर? एप्लीकेशन, नेटवर्क, प्रेजेंट परसेप्शन या नन ऑफ दीज? तो बच्चों 26वें का नेटवर्क लेयर होगा, इसी को नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कनेक्टिविटी को मेंटेन करना। बच्चों व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ MQTT ओवर HTTP? मोर सिक्योर है, लाइट वेट है या दोनों है? 27वें नंबर का तो इसका आंसर होगा बच्चों कि MQTT HTTP से ज्यादा सुरक्षित भी है, लाइट वेट भी है। तो आंसर आप 27वें नंबर का क्या लगाएंगे? इसका आंसर आपको देना है सी। आगे आइए 28वां नंबर प्रश्न, रिमोट इनेबल एंटिटीज दैट यूटिलाइज IoT डिवाइस टू कनेक्ट एंड कंट्रोल यूजिंग ए डैशबोर्ड, कौन है भाई? स्मार्टफोन, टैबलेट एंड PC, स्मार्ट वॉच या ऑल? कौन सी वो डिवाइसेज हैं? तो मुझे लगता है सारी डिवाइसेज आपको IoT को यूज करने की परमिशन देते हैं रिमोट से। द RFID इज नॉट यूजफुल IoT आर्किटेक्चर लेयर ऑफ परसेप्शन लेयर फॉर, द RFID इज यूजफुल IoT
तो भैया ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइंग में भी, ट्रैकिंग में भी, एक्सचेंजिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन, सभी में तो यूज होता है। तो 29वें का तुम क्या लगाओगे? डी। वैसे आरएफआईडी का फुल फॉर्म मैं बता दूं चलते चलते, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है बच्चों। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी? ये आप बड़े आराम से जानते हैं बच्चों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बाकी और कुछ होना नहीं है। आज वेब में यूज किया जाने वाला शायद सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है आपका ये एचटीटीपी। विच ऑफ देयर फॉलोइंग वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड मेश नेटवर्क आर्किटेक्चर? बताइए, ये प्रश्न भी बच्चों पूछा गया है। कौन सी वो नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो मेश आर्किटेक्चर होता क्या है, जिसमें हर नोड बाकी सबके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होता है? मेश टोपोलॉजी आपने पढ़ी रखी होगी। तो इसका मैं सही उत्तर लगाऊंगा बच्चों जिगबी, 31 का सी। जिगबी किस स्टैंडर्ड पर आधारित होता है? तो बच्चों जिगबी तुम्हारा 800 IEEE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये एक संस्था का नाम है और वो मानक देती है टेक्नोलॉजीज को 802.15.4। तो यानी 32 नंबर प्रश्न पे हम आएंगे और क्या लगाएंगे आंसर? बी लगाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइट वेट प्रोटोकॉल यूज इन IoT एप्लीकेशन? HTTP, वेब सॉकेट, MQTT या ऑल? देखो भाई, प्रोटोकॉल तो सारे यूज होते हैं लेकिन लाइट वेट आ गया तो इसलिए सिर्फ एक सही है, MQ। वाईफाई हेलो लो पावर के लिए यूज होता है। वाईफाई स्टैंडर्ड इज डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर लो डेटा रेट, लॉन्ग रेंज सेंसर्स, कंट्रोलर्स या ऑल? 34 नंबर प्रश्न का उत्तर, सारी बातें सही हैं वाईफाई हेलो के लिए बच्चों। लो डेटा रेट भी सही है, लॉन्ग रेंज सेंसर्स भी सही है, कंट्रोलर्स भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। Your answer is D, all of the above. MQTT suits are, बताओ, small and cheap, low memory device, low power devices. 35 number. तो 35 का उत्तर बच्चों लगेगा D, all of these. Which protocol provides full duplex? HTTP, MQTT, WebSocket या COAP? Constrained application protocol. बताइए बच्चों, 36 नंबर का क्या आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए? तो 36 का होगा बच्चों सी, वेब सॉकेट प्रोटोकॉल ये काम करता है। IPv4 कितने बिट का होता है बच्चा? बच्चा आप जानते ही हैं, 32 बिट होता है। IPv6 कितना होता है? 128 होता है। कौन सा होता है? The output signal is feedback so that it subtract from input signal. Negative feedback होगा, positive feedback होगा, both होगा, none होगा? बताओ भाई, 38 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? अगर इनपुट सिग्नल से आउटपुट सिग्नल को घटाया जा सके तो वो निगेटिव फीडबैक होगा। A system that utilize a device to control the process without using feedback. कौन सा वो सिस्टम है जो डिवाइस को कंट्रोल करता है बिना किसी फीडबैक के? 39 नंबर का क्या आंसर होगा बच्चों? तो ऐसा सिस्टम कहलाता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलेंगे? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। A system that uses a measurement of the output and compares it with the desired output. ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कंपेयर करता है डिजायर्ड आउटपुट के साथ आपके आउटपुट को? ओपन लूप, क्लोज लूप? तो इसका बच्चों होगा क्लोज्ड लूप फीडबैक कंट्रोल ही वो सिस्टम है जिसका काम क्या है कि जो आउटपुट आता है उसको डिजायर्ड आउटपुट के साथ मिलाना, मैच करना, कंपेयर करना। इट इज ए कंट्रोल सिस्टम दैट हैज ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट।
बताओ कौन सा होगा? सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सीसो होगा। 41वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ए। और अगर मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट होता तो मीमो होता बच्चों। बताइए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडेड मीडियम? इनमें कौन सा गाइडेड मीडियम नहीं होता? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल या एटमॉस्फेयर? तो भैया मेरे, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल ये सब तारों के प्रकार हैं। तो कौन नहीं है गाइडेड मीडियम? आपका एटमॉस्फेयर। द इनर कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज, किसका कंपोजिशन होता है? ग्लास और प्लास्टिक का, बीमलाइटिक का, कॉपर का या लिक्विड का? द करेक्ट आंसर इज ए बच्चों, ग्लास और प्लास्टिक। द ओ एस आई लेयर दैट अरेंजेस सिग्नल इनटू लॉजिकल यूनिट्स कॉल्ड फ्रेम्स, कौन सी वो ओ एस आई मॉडल की लेयर है? सात लेयर होती है, आपको पढ़ाया गया है, जो सिग्नल को लॉजिकल यूनिट पे बदल देती है, जिसको फ्रेम्स कहते हैं। तो बेटा ये आपकी होती है जो लेयर, वो है डेटा लिंक। डेटा लिंक बनाता है फ्रेम, नेटवर्क लेयर बनाता है पैकेट, याद रखना। ट्रांसमिशन मीडिया चलिए, ट्रांसमिशन मीडिया आर यूजली कैटेगराइज्ड एज, आप ट्रांसमिशन मीडिया को आप कैटेगराइज कर सकते हो, बताओ किसमें? फिक्स्ड और अनफिक्स्ड, नहीं गलत है। डिटर्मिनेट और इंडिटर्मिनेट, गलत है। गाइडेड और अनगाइडेड, सही है। बताओ कौन सी वो केबिल है जहां ग्लास सेंटर कोर होता है? यूटीपी है नहीं, एसटीपी है नहीं, कोएक्सियल होता नहीं। ग्लास यानी लाइट का फॉर्म हो गया डेटा ट्रांसमिशन, फाइबर। 47वें प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं बच्चों। ए वायरलेस नेटवर्क यूजेस, अ वायरलेस नेटवर्क यूजेस वेव्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स। बताइए वायरलेस नेटवर्क कौन सी वेव्स का यूज करता है ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल्स को? वायरलेस नेटवर्क रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स, माइक्रोवेव्स, मैकेनिकल? 47वां नंबर प्रश्न का आंसर होगा बच्चों रेडियो वेव्स। याद रखिएगा वायरलेस में रेडियो वेव चलती है। रेडियो वेव की खासियत क्या होती है बच्चों? रेडियो वेव ओमनी डायरेक्शनल वे में ट्रांसमिट करता है डेटा को, सिग्नल्स को। विच लेयर ऑफ ओ एस आई मॉडल डज डेटा कंप्रेशन? तो बच्चों इसका आंसर होगा तुम्हारा प्रेजेंटेशन लेयर। इंड टू इंड कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बाई, बताइए इंड टू इंड कनेक्शन कौन एस्टेब्लिश करता है? आईपी, टीसीपी, यूडीपी या ऑल? 49 नंबर का आंसर होगा बच्चों ए। इंड टू इंड कनेक्शन को ट्रांस बनाने का काम आईपी का है। बिट्स फ्रॉम फिजिकल लेयर आर कन्वर्टेड इंटू द फ्रेम्स बाई, बिट्स फ्रॉम फिजिकल लेयर आर कन्वर्टेड इंटू द फ्रेम्स बाई, डेटा लिंक लेयर होता है बच्चों इसका आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों आपके लिए 50 क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन की एक श्रृंखला है, एक माला है मैं लेकर आया, जिसमें आपको ये पता चला होगा कि आईओटी का पेपर कैसे आता है, कैसे बनता है। इन 50 क्वेश्चन की तैयारी अगर आपने कर ली तो इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों की ये आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने कुछ फायदा लिया है, मैं अब आपसे अलविदा कहता हूं, फिर मिलूंगा नए सेट के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।